बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 11 जनवरी बुधवार का दिन आपका कैसा बीतेगा, सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं आपके नाम के अक्षर के हिसाब से। साथ ही आप लोगों के सवाल भी लेंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं तो उनमें से एक सवाल कार्यक्रम में शामिल करेंगे और काम की टिप भी आपको बताएंगे। तो जो लोग और सवाल पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अवश्य लिख दें। लिखते जाइए, आगे आने वाले दिनों में वहाँ से हम कमेंट बॉक्स से उठाएंगे और आपके सवाल शामिल अवश्य करेंगे। जिनके सवाल अभी तक नहीं लिए गए हैं वो भी आगे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें ताकि आपके सवाल हमें मिलते रहें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या सितारे संकेत दे रहे हैं आपके नाम के अक्षर के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। व्यवहार में विनम्रता रखें, धन प्राप्ति के लिए प्रयास और बढ़ाएं, यात्रा से आपको लाभ होगा। उपाय क्या करें, भगवान शिव को जल अर्पित करिए, शुभ रहेगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के से शुरू होता है या आर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खान पान ठीक रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें, किसी गरीब को कम से कम 1 किलो दूध का दान करें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी से शुरू होता है, एल से शुरू होता है या एस से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपकी चिंता दूर होगी, धन लाभ के रास्ते बनेंगे। अपनी योग्यता को और बढ़ाइए तो ज़्यादा फायदा होगा। उपाय क्या करें, ओम नमः शिवाय का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें, शुभ रहेगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, एम से शुरू होता है या टी से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे। शत्रुओं से सावधान रहिए, शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा से बचें। उपाय क्या करें, भगवान शिव का जल से अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल भगवान शिव को चढ़ाइए, बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, ई से शुरू होता है या एक्स से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपके अधूरे काम पूरे होंगे, व्यापार में निवेश से लाभ होगा, संतान से आपको खुशी मिलेगी। उपाय क्या करें, शिव जी की आरती करिए, उससे बहुत लाभ होगा, जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी से शुरू होता है या डब्ल्यू से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। कार्यों में तेजी आएगी, धन लाभ के रास्ते बनेंगे, प्रॉपर्टी में निवेश के योग आपके लिए बन रहे हैं। उपाय क्या करें, किसी गरीब को 1 किलो चावल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। वाणी पर नियंत्रण रखिए तो आपको फायदा होगा। जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। करियर को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे, उनका लाभ अवश्य उठाइएगा। उपाय क्या करें, रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए, बहुत फायदा होगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम F अक्षर से शुरू होता है या P से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। किसी भी तरह की जिद ना करें, कार्यों में सफलता के लिए मेहनत को और बढ़ा दीजिए। मित्रों के सहयोग से आपको लाभ होगा। उपाय क्या करें, किसी गरीब को भोजन कराएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, यदि आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिएगा और बर्थ डिटेल अवश्य लिखिएगा। आज जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है मनजोत कौर। इनकी जन्म तिथि है 6 मई 2005, 1 बजे AM, मतलब रात को 1 बजे का जन्म है। अमृतसर, विदेश कब जाएंगी ये पूछना चाहती हैं। मनजोत कौर जी, आपकी कुंडली बनाते हैं। 6 मई 2005,
जन्म का समय 1 AM, अमृतसर। आपने जो मंजोत जी डिटेल बताई है, मंजोत कौर जी, उस आधार पे कुंडली बन गई। आपकी मकर लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। आपका जन्म रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी केतु की महादशा चल रही है, जो नवंबर 2017 से शुरू हुई है, नवंबर 2024 तक चलेगी। और राहु की अंतरदशा चल रही है, जो अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है और अक्टूबर 2022 तक चलेगी। विदेश कब जाएंगे आप, ये आपका सवाल है। तो देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अक्टूबर 2021 से विदेश जाने के योग बन रहे हैं, और आप प्रयास तेज कर दीजिए तो अक्टूबर 2021 से नवंबर 2023 के बीच में आप विदेश जाने में कामयाब होंगे। उपाय क्या करें जिससे विदेश जाने के रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हों? बृहस्पतिवार का व्रत रखें, थर्सडे के दिन पीली चीज़ों का सेवन करें, जैसे पीला भोजन करें, चावल में हल्दी डाल दें पीला हो जाएगा, आटे में हल्दी डाल दें पीली रोटी बन जाएगी, और पीला भोजन कम से कम 9 गरीबों को खिलाएं बृहस्पतिवार के दिन, ये करना है। और हर बुधवार के दिन उड़ने वाले पक्षियों को दाना खिलाना है, और कितना दाना खिलाना है, 2-3 किलो हर बुधवार को खिलाइए, और कोशिश करिए कि आगे आने वाले 6 महीने के अंदर आप अपने वजन के बराबर दाना खिला दें। तो 2-3 किलो हर बुधवार को खिलाना शुरू करेंगे तो 6 महीने तक, मान लीजिए आपका 60 kg वेट है, तो उतना दाना अवश्य खिला दें, तो विदेश जाने के योग अच्छे बन जाएंगे। अब बारी आ गई काम की टिप की। क्या है आज आपके लिए काम की टिप? बहुत सारे लोगों का सवाल होता था कि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, वो क्या उपाय करें जिससे हेल्थ ठीक रहे। तो देखिए, करना क्या है आपको कि नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालना है, जैसा ये प्रकृति चाहती है वैसा ढालिए तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्या करना है? सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना है और स्नान ध्यान करके राइजिंग सन को, उगते हुए सूर्य को जल देना है। और जो सुबह की सनलाइट होती है, जब सूर्य निकलता है, उस सनलाइट में कम से कम 10 मिनट बैठना है। वो बहुत गर्म नहीं होती, आराम से हर कोई उसमें बैठ सकता है, तो कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा बैठ सकते हैं तो ज़्यादा देर बैठिए, जिसको आप सन बात कहते हैं, सूर्य की रोशनी में बैठना, सुबह की सूर्य की रोशनी, दोपहर वाली में नहीं, सुबह वाली में बैठना है। और हर बुधवार के दिन अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को खिलाना है। तो जब आप सनलाइट में बैठेंगे तो जो वायरस हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपको, वो वायरस और बीमारी के बैक्टीरिया वो सब नष्ट होंगे सूर्य की किरणों के प्रभाव से। और आप गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे तो बुध ग्रह हेल्थ का कारक माना जाता है, तो हेल्थ को और ठीक करेगा। तो नाम बनाएगा काम में आज बस इतना ही। भगवान कृष्ण के नाम का जाप करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख करके हाजिर लगाइए और बोलिए जय श्री कृष्ण।